गणतंत्र दिवस के मौके पर हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने यमुनानगर के तेजली खेल परिसर में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर विज ने देश को आज़ादी के लिए शहादत देने वाले असंख्य वीरों को श्रद्धांजलि भी दी। मौके पर जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों द्वारा सुंदर झांकियां निकाली गईं। इसके अलावा जिले के विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। अनिल विज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज हम 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आज पूरा विश्व भारत के मजबूत लोकतंत्र की चर्चा करता है। 500 वर्ष पहले बाबर ने हमें अपमानित करने के लिए मंदिर को ध्वस्त करके मस्जिद को बनवा दिया था। आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उस अपमान का बदला लिया गया है और उसी स्थान पर मंदिर बनाया गया है। अनिल विज ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि इतने ज्ञानी महापुरुष हैं कि वह स्टोव में कोयले डालकर जलाते हैं। अनिल विज ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में सुधार करने का सिलसिला लगातार जारी है। जितने भी टूटे फूटे अस्पताल और PHC हैं उनको गिराकर पूर्ण निर्माण करवाया जा रहा है। पांचवी टुकड़ी होमगार्ड जवान और देश की सेना का भविष्य है। आठवीं टुकड़ी भारत स्काउट के कैडेट की, जिसका नेतृत्व स्काउट लीडर अभिषेक पाल कर रहे हैं। स्काउटिंग हमें चरित्र का गठन, युवाओं को सेक्स के साथ। ये अगली टुकड़ी मंच के सामने से गुजरती हुई गाइड की टुकड़ी राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सब्जी मंडी यमुनानगर की, जिनका नेतृत्व संजना कर रही है। और इसके साथ ही अगली टुकड़ी प्रजातंत्र की प्रहरी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जगाधरी स्कूल की, जिसका नेतृत्व कीर्ति कर रही है। वोट के अधिकारों के बारे में जागरूक करती। और अंत में आ रहा है गुर्जर कन्या विद्या मंदिर देव दरबार सुंदर बैंड, जो अपनी कला से माहौल को रंगीन बना रहा है, देशभक्ति की भावना को उजागर कर रहा है। ये प्रेम हमें विश्वास में रहकर देश की प्रगति और देश को आजाद होने के बाद हमने अपने देश में प्रजातांत्रिक व्यवस्था का चयन किया था। तो संविधान सभा ने संविधान बनाया और इसको आज के दिन अंगीकार किया गया। हमारी जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है वो बहुत मजबूत है। सारे विश्व में यहाँ का लोकतंत्र के बारे में बताया जाता है। और सर, जैसे कि बाबर ने हमें हमारे मंदिर को, राम जी के मंदिर को ध्वस्त किया था, अब मोदी जी के प्रयासों से, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, उस अपमान का हमने उसी स्थान पर मंदिर बनाकर उसका बदला लिया। सर सारे देश में बहुत खुशी है। सर राहुल गांधी आज कहे कि मंदिर नहीं जाने दिया जा रहा, क्या कहेंगे आप? और वो तो कहते हैं कि राम लहर भी नहीं है। जी देखिए, राम लहर उसी को महसूस हो सकती है जो राम को मानता है। जो राम को मानता ही नहीं, उसको क्या पता लगेगा कौन सी लहर आ रही है, कौन सी जा रही है। और वो तो इतने ज्ञानी पुरुष हैं कि स्टोव में कोले डालकर जलाते हैं, तो उनका तो ज्ञान सारे विश्व में जा रहा है कि स्टोव में तेल के बजाय कह रहे कोले डाल के कि स्टोव को जलाया जाएगा। सर हरियाणा की क्या अच्छी सेवाएं देनी है? देखिए, इसको सारे को हम बेहतर करना चाहते हैं। जो हमारे टूटे फूटे पुराने अस्पताल हैं उनको भी ठीक करना चाहते हैं। 162 PHC जो बिल्कुल टूटी हुई थी उनको गिराकर नए बनाने के हमने पैसे दे दिए, वो हम बना रहे हैं। बाकी भी देखिए, यमुनानगर में भी बनाया हमने अस्पताल बनाया, कुरुक्षेत्र में भी बन रहा है, अम्बाला में भी बनाया, और भी जगहों पर नए अस्पताल बना रहे हैं हम। इसको बिल्कुल ताकि लोगों को स्वास्थ्य की उच्च स्तरीय सेवाएं मिल सकें, हम हर अस्पताल में CT स्कैन, MRI और अल्ट्रासाउंड हम लगाना चाह रहे हैं।
और भी जो भी सुविधाएं हैं, अब सारे अस्पतालों में हम डायलिसिस सारे जिले में लगा हुआ है, हमारे 4 कैथ लैब लगे हुए हैं, और भी अस्पतालों में हम कैथ लैब लगाने के लिए टेंडर फ्लोट करते हैं। सर, यमुनानगर